झारखंड की जनता को ये समाचार और ये संदेश देना चाहेंगे कि पुलिस कर्मियों को भी, जो पुलिस स्टेशन के लेवल के हैं या उनके ऊपर के अधिकारी हैं, वो हमेशा आपकी सेवा में हैं। आप उनके साथ सहयोग करें, आप उनसे सहयोग प्राप्त करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग पुलिस से थोड़ा सा भयभीत होते हैं अपनी समस्याओं को बताने में। हाँ, ये समस्याएं अक्सर सुनने को मिलती है और इसकी जितनी मतलब इसका दूर किया जा सके सीनियर लेवल पर हम लोग हमेशा प्रयास रहते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे तो चाहते होंगे कि पापा थोड़ा सा वक्त हमको जरूर दें, थोड़े हमसे बात करें, और उसी समय कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है, कैसे तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो अब आपको अपने फील्ड के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से जो प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से करना होता है और सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं। अभी तक सब ठीक ठाक रहा है। मीडिया में भी है कि एक पर्टिकुलर जिला यहाँ पर जामताड़ा है जहाँ पर ये इस तरीके का अपराध कालांतर में स्टार्ट हुआ, लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी इस पर मेहनत की गई है, काफ़ी काम किया गया है, नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। अभी एज ऑन डेट हमारे यहाँ 6 पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं साइबर। सभी जगह कभी कहीं ना ब्लास्ट हो जाना, कहीं जो भी हमले वगैरह कर देना, लेकिन फिर धीरे धीरे झारखंड पुलिस ने सरकार की मदद से, सरकार के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से संसाधन बढ़े और पुलिस मैन की संख्या बढ़ी, ट्रेनिंग बढ़ी, तो उसी और काफ़ी मतलब इसमें परेशानियाँ भी पुलिस को उठानी पड़ी, काफ़ी बलिदान देने पड़े, और उसके बाद आज की डेट में हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ एक कोई पोर्शन है वेस्ट सिंहभूम चाईबासा का, सारंडा जिला है, जहाँ पर ये सीमित है। अपनी श्रीमती जी से अपने बच्चों के साथ कैसा तालमेल बिठाते हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छा तालमेल है। बिना परिवार के सपोर्ट के आप किसी भी फील्ड में हो उसमें सफल या सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबका पूरा कोऑपरेशन, सबका पूरा साथ है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी झारखंड पुलिस में भी नई कॉन्स्टेबल्स की रिक्रूटमेंट मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 5,000 करीब होने वाला है और उसी के कंपैरिजन में ऑफिसर्स वगैरह की भी होने वाली है, तो इसमें भी लगातार रिक्रूटमेंट जो भी कमियां हो रही हैं उसको भरने का जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है।